स्कॉलरशिप अते होर डिग्रियां दे नां ते पंजाब च यूनिवर्सिटियां ते कॉलेजां वल्लों SEBC बच्चियां दे हो रहे शोषण दे खिलाफ बहुजन क्रांति मंच वल्लों विरोध प्रदर्शन किया जा रहा है। ज्यों तों दस्सी कि इस मामले लैके बहुजन क्रांति मंच पंजाब ने DC दफ्तर का घिराओ करके नारेबाजी की है। मिनी सकत्रेत सामने यह जिहड़ा धरना लग्या होया 15वें दिन दे विच दाखल हो गया। तों दस्सी कि इस नूं लैके बच्चियां वल्लों ते नाल ही बहुजन समाज पार्टी के आगू वालों कई तरह के जड़े कि इल्जाम लगाए जा रहे हैं। उन्होंने कहना है कि 2017 च जो BEd ते MEd कर रहे सन उन्होंने कोलों बतौर फीस गरंटी खाली चैक ले गए सन। कॉलेज प्रबंधकों वालों अदालत दे विच केस करके अनेक विद्यार्थियों खिलाफ गिरफ्तारी वारंट जारी करवा के उन्होंने आर्थिक तौर पर मानसिक तौर पर तंग परेशान किया गया। आगुआ ने पंजाब सरकार तो मांग की कि पोस्ट मैट्रिक स्कॉलरशिप स्कीम इन बिन लागू करके संबंधित विद्यार्थियों के रुके नतीजे डिग्रिया जारी कीतियां जान। सर बहुजन क्रांति मंच वालों अज असी प्रोटेस्ट रखा होया। असी 3 जुलाई तो इतने बैठे हाँ। अज सानू 15वां दिन और जेड़े SC विद्यार्थियों के रिजल्ट रोके गए आ, जेड़े SC विद्यार्थियों दियाँ लखां विद्यार्थियों दी डिग्रियां रोकिया गई। सन 2022 च 2 लाख SC विद्यार्थियों कॉलेज छड्डण लई मजबूर करता गया और कई विद्यार्थियों के कॉलेजों ने गैर कानूनी तरीके उन्होंने अदालतों में चैक लगा के अरैसट वारंट कढ़ाए हुए। अज भी काफ़ी विद्यार्थी इतने खड़े हैं जो गवर्नमेंट कॉलेज हुशियारपुर बिलोंग करते हैं और पहला भी असी मानयोग DC साहब को जो मंग पत्र दे चुके हैं, पर जिहड़ी सरकार आ सरकार के कन्नां विच जूं तक नहीं सिरकदी। तुसीं पिछली बार भी देखिया होना जो मंग पत्र दिता सीगा तो जिहड़ियां विद्यार्थिनियां सी अपने बच्चे भी नाल लैके आईयां सी, ईवन कि उन्होंने ब्याह भी हो गए बच्चे भी हो गए तां भी उन्होंने जिहड़ियां डिग्रियां कॉलेजां ने रोकिया होईयां गैर कानूनी तरीके दे नाल। तुसीं देखो जिन्हां ने मेहनत करके पेपर दिते आ कोई कोर्स किए आ ना तो वह किसी जॉब लिए अप्लाई कर सके तो ना ही वह किसी नवे कोर्स में दाखला ले सके। बीते दिन डिप्टी कमिश्नर हुशियारपुर एक मंग पत्र दिता गया, की रिस्पोंस आया की गलबात मैडम ने? डिप्टी कमिश्नर साहब ने कहा कि तुम बैठे हाँ हूँ जा रहे हो, असं क्या नहीं कहते भी बैठने का तो कोई फायदा नहीं कुछ होना ही नहीं इदा, मतलब डिप्टी कमिश्नर साहब की वर्डिंग आ कि तुम बैठे रहो यह कोई फायदा नहीं तुम अपने कामकार करो जो बैठे रहो कुछ नहीं होना, यह उन्होंने वर्डिंग। किस तरह होएगा फिर? देखो असं इतने बैठे हाँ, इन्हों लगता कि शायद अंदोलन इतनी शांतमी चली जाना वा हूँ जो सा अगला प्रोटेस्ट अगले प्रोटेस्ट घट्टो घट्ट हज़ारों के हिसाब से लोग इतने शहर बढ़ा और ये चाहे प्रोटेस्ट सानू इतने साल भी चलाना पवे साल चलावे ना मिले सानू हक घट्टो घट्ट साढ़े लोगों तो पता लगेगा कि सरकार साढ़े बारे की सोचदियाँ नहीं मिलते सानू हकों की कोई लोड़ नहीं गी, पर घट्टो घट्ट जी सरकार आ सरकार का चेहरा दलितों पक्की सामने आऊगा दलित लोगों को यह घट्टो घट्ट पता लगेगा कि सरकार साढ़े बारे की सोच रही है सरकार साढ़े बच्चों का किमें भविख खराब कर रही है और असी लड़ांगे अखीर तक लड़ांगे चाहे ये सानू अपनी जान तक भी देनी पवे आप उस चीज़ लिए भी तैयार हाँ, पर असी अपने हकों के प्रति झुकेंगे नहीं। असी आपके विद्यार्थियों ना हो रहे खिलवाड़ और धक्के के खिलाफ जम के लड़ांगे और इस चीज़ को कभी बर्दाश्त नहीं किया जाऊगा। सरकार धक्का कर रही है लगातार पिछली सरकारों में आम आदमी पार्टी कितना देते बिल्कुल पिछली सरकारां दी तरह इस आ जिहड़ी आम आदमी पार्टी सरकार भगवंते दी सरकार यह भी जिहड़ी दलित स्टूडेंटा दे नाल धक्का कर रही है। जेकर इन्हां सरकारां नूं दलितां दी इन्नी ही फिक्र है तो कॉलेजां दी लिस्ट जारी करन जिहड़े जिहड़े कॉलेज दे विच जिहड़े जिहड़े स्टूडेंटां दे जिहड़े SC सर्टिफिकेट जां होर सर्टिफिकेट रख के उन्हां नूं तंग परेशान किया जा रहा ते प्लस जिहड़ी उन्हां ने JEE पास आउट कर ले ते उन्हां दी डिग्रियां नहीं जारी कीतियां। असीं मंग करदे हां कि इह जो भगवंत मान दी सरकार है ये अपना जिहड़ा दलितों नाल प्रेम आ जेकर कहिंदे कि असीं दलितों के हकों की आवाज़ उठाउंदे आ ते जो कॉलेजां दियां जिहड़ियां कॉलेजां ने डिग्रियां जो रोकियां होईयां स्टूडेंटां दियां वह जारी करन ते बनदी कार्रवाई करन जिहड़े कॉलेजां ने इन्हां बच्चियां दियां जो डिग्रियां रोकियां होईयां। ਕੀ ਬਟਾ ਨਾਮ ਕੀ ਤੁਹਾਡਾ? ਮੁਸਕਾਨ। ਕਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਕੀਤੀ ਸੀ ਆਪਣੀ? ਮੈਂ 2016 ਦੇ ਵਿੱਚ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਕਾਲਜ ਐਡਮਿਸ਼ਨ ਲਈ ਸੀਗੀ ਤੇ ਮੇਰੀ 19 ਦੇ ਵਿੱਚ BA ਹੋ ਗਈ ਸੀ ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਂ 2 ਸਾਲ MA ਕੀਤੀ। ਹਿਸਾਬ ਲਾ ਲਓ ਹਜੇ ਤੱਕ ਇੱਕ ਵੀ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ। ਬਿਨਾ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਤੋਂ ਕਿੱਦਾਂ ਚੱਲੇਗਾ ਕਿਉਂਕਿ ਐਡਮਿਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਮਿਲੇਗੀ ਜਾਂ ਜੌਬ ਕਰਨੀ ਹੋਵੇਗੀ ਤਾਂ ਜੌਬ ਨਹੀਂ ਮਿਲੇਗੀ? ਹਾਂਜੀ ਸਰ, ਅਪਲਾਈ ਨਹੀਂ ਕਰ ਹੁੰਦਾ। ਹਾਂਜੀ ਕਿੱਦਾਂ ਦੇ ਦੋ ਤੁਸੀਂ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਇਸ ਨਕਾਮੀ ਨੂੰ? ਬਸ ਇਹੀ ਆ ਵੀ ਦੇ ਦੋ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਚਾਹੇ ਕੁਛ ਤਾਂ ਕਰ ਸਕੀਏ। ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ ਨਾ ਹੱਥ 'ਚ, ਬੰਦਾ ਕਿਤੇ ਅਪਲਾਈ ਕਰਨ ਵੀ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਉਹੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹਾਂ ਜੋ ਕਿੰਨੇ ਸਟੂਡੈਂਟ ਆ ਜਿਹੜੇ ਇਦਾਂ ਦੇ? ਸਾਡੀ ਤਾਂ ਪੂਰੇ ਮਤਲਬ ਕਲਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ 50% ਲਗਾ ਲਓ ਹਜੇ ਤਾਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮਿਲੇ ਹੈਗੇ, ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਦੇ ਸਾਰੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲੇ ਹੈਗੇ। ਸਕਾਈ ਨਿਊਜ਼ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਲਈ ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ ਤੋਂ ਅਮਰੀਕ ਕੁਮਾਰ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ।